उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ छन्नू अहमद, हसीन अहमद और मुजीब अहमद की संपत्तियों को जब्त किया गया है। बताया गया है कि अवैध कमाई से तकरीबन 40 करोड़ रुपए की संपत्ति को बनाया गया था। यह संपत्ति अपराध के जरिए कमाई गई थी। मुजीब के आलिशान मकान को भी जब्त किया गया है। मुजीब की गाड़ियों सहित 24 संपत्तियों को प्रशासन ने जब्त किया है। पुलिस ने मौके पर गैंगस्टर हसीन को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला बट्सगंज में गैंगस्टर की संपत्तियों को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई हुई है। कितने लोगों को पता है? जी हाँ, ये गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था कोतवाली नगर में, जहाँ आप खड़े मुजीब और इनके दो भाइयों के खिलाफ क्राइम हुआ है। इस एक्ट में प्रोविजन है कि इसमें 14 में जो अपराध से अर्जित संपत्ति होती है उसे जब्त करने की कार्रवाई होती है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इनकी चल और चल दोनों संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। अभी ये कार्रवाई जारी है। इसमें लगभग 24 इनकी ऐसी अचल संपत्ति है और शहर में और अन्य क्षेत्रों में गाड़ियां हैं। कुल मिलाकर के भी प्रारंभिक तौर पर कह सकते हैं कि 40 से 50 करोड़ की संपत्ति होगी। कहते हैं उसका निर्धारण वास्तविक रूप से विशेषज्ञों के मदद से ही हो पाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इतना कहा जा सकता है कि दोनों संपत्तियों की कीमत करीब 40 से 50 करोड़ है। अब ये कार्रवाई भी जारी रहेगी। अभी क्या क्या कार्रवाई होगी? अभी आप देख रहे हैं जिनका मकान है इसकी तलाशी ली गई है। SDM सदर, OCO सिटी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और अमित फोर्स मौजूद है। सारी तलाशी लेने के बाद कोई पाया नहीं गया है और इस घर को सील किया जाएगा। आगे और कार्रवाई इसी क्रम में जारी है। सर, नगर पालिका की JCB वगैरह आ गई है तो एरिया तोड़ने के लिए? यदि ऐसा होगा तो वापस संज्ञान में लाया जाएगा। अभी इस स्तर पर कुछ कहवाना संभव नहीं है। कार्रवाई जारी रहेगी। इसके कई आयाम, जैसे जैसे जो जो चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी, जब सब हम पुख्ता होते जाएंगे तो उस क्रम में आगे कार्रवाई रहेगी। ये है स्टार और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज।